उस्ताद इमरान बकर मंडी लाहौर से बराह रास्त दोस्तों खिदमत में हाजिर हैं। शोभा ब्रीडिंग हवाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि तो थोड़े से ना मुख्तसर। इमरान भाई पहली गल रटेट रहा जुमले मैं नहीं जी कहने ठीक है। ना, मैं थोनों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दोस्त देखेंगे। चलो जो दोस्त होने दिन वाद देने पे जी, असि अपने चलो गुफ्तगू का अंदाज करने हैं। ना मैं ब्लड का कायल जे, ना मैं किसी ब्रांड का कायल हाँ, तो ना मैं ब्रीड का, क्योंकि ब्रीडा में वेखो कोई छत वाला, कोई चूहा, कोई जी तो हादसा तो उसे ब्रीडा हुई ने। चलो ये भी एक दूसरा तस्वीर का रुख लै चाहते हैं, साढ़े शौके च मुतारफ भी हैं, लेकिन साडा मकसद है कि दोस्तों के कबूतर के उत्ते तवज्जो देना, उसका साइज की है, वह म्यार की, उसकी क्वालिटी की है, वो किसे रंग किसे नसल जमाने का जिंजरा हो, अगर वह जायचा वह म्यार स्टैंडर्ड वो थोड़े आ जाता तो तुम मेरे ख्याल में कभी मार नहीं खा सकते। क्यों जी इमरान भाई को गल तुसी ना आपे भी गल करया करो, जे गलत मैं करना जरूरी नहीं तुसी तुसी ना मेरे मुंह दी और मेरे दिल दी गल की। मैं अक्सर ना जिहड़े मेरे दोस्त मेरे नाल रिलेटेड ने जिहड़े करीबी तौर ते मैं जानदे ने उहनां नूं अक्सर कहिंदा कि मैं अपनी गल करना, असीं किसे दी मुखालफत नहीं करदे कदी भी, असीं अपने दिल दी और अपने शौक दी गल करने आ। मैं ना ब्लड नूं मन्नना ना नस्लां नूं मन्नना। मैं अक्सर अपने शागिर्दां दोस्तां नूं कहिंदा कि यार अगर शौक करना ना सब तों पहले ज़हन च नस्लां नूं बदलो, अच्छा शो करना सानी पैदा करनी है, नस्ल में जेन चो कटो और दूसरा ब्लड नो जेन चो कर दो। और वजह मैं तुम दसा कि लॉजिकली की है, मैं अपनी गल करूं, मैं दड़ भी चलाई ना कबूतर खरीदने ली, मैं उसे मेरे ब्लड ब्लड टेस्ट करावगा, ब्लड ठीक ही होंगे लेकिन वे जिन्हें अजमाया है, लेकिन मेरे न तजर्बा अपना मैं अपना जाती तजर्बा तुम दसना, मेरे को दो तीन कबूतर जोड़े ऐसे ने जिन्हें बच्चे मेरे को शामा तक उड़े ने गेट दे, अगर उन्होंने कोई पॉइंटा का हल्का निकल आया ना उन्हें काम नहीं किया, ना उन्हें खुद उड़न च काम किया ना उन्हें बच्चे उड़ाए ने। यह मेरा परसनल तजर्बा है और मैं इसलिए ब्लड नूं मानदा ही नहीं, ना ब्लड नूं मानना ना मैं नस्ल नूं मानना। कोई भी अच्छा परिंदा किसी रंग दा किसी नस्ल दा मैं उन्हें मानना बस। इमरान भाई ना मानना दी एक वजह है वे कि म्यार जाहरी बात है, देखो मतलब कि जानवर दा एक म्यार होना चाहिए, तुसीं उह म्यार तों हटो। जिहड़ा भी किसी दा भी उड़दा जायद दा होवे बकर दा होवे जिहड़ा परिंदा अच्छा उड़दा उहदे तुसीं पॉइंट्स देख लो, उह तकरीबन 90% मिलदे जुलदे होणगे। 10% परिंदे ऐसे हो सकते ने मेरे साथ भी कहते गाते गाते गोहिए बन गए कि अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने रियासत इनी होंगी है डंडा परेट इनी होंगी कि कबूतर जो कार अमद आ जाने अच्छे उड़ जाते, लेकिन वह भी जो गर्मी तेज होंगी है वह भी कम नहीं आते। अच्छे अच्छे पॉइंट का कबूतर ही गर्मी साथ दिता और मतलब मालक का शौक भी पूरा कराता है। इमरान भाई शोभा ब्रीडिंग है, इंग्लिश समझदे पढ़े हो किना किना पढ़े हो तुसे? मैं माजा दा पुछना मैं समझ लो के 12वीं क्लास पढ़े से तो छड़ मसा चलो लफ्ज़ आसानी ने मेनू पुछना इस ऑनलाइन में तुहानू को पुछना माजा दे नाल एक लफ्ज़ है सिलेक्शन जी एक परफेक्शन हां जी सिलेक्शन परफेक्शन जी क्वालिटी ते क्वांटिटी जी सिलेक्शन हुंदी इंतखाब खिलाड़ी आदमी होगा मुक्तसर परिंदे रखेगा मुक्तसर शो करेगा क्योंकि समझ है अच्छे ने हूं जिन्हें नहीं ना समझ वह कहने खरबूजे ने यार मैंने केड़ा उड़ जाए तादाद वधाई जाओ आम मिसाल तुसीं ला लो जिस बंदे नूं इलम होगा समझ रखता होगा वह क्वालिटी के उत्ते ध्यान देगा क्वांटिटी का ध्यान नहीं देगा। इसलिए अच्छे कबूतर की क्वालिटी उन्हें पसंद करो उन्हें सिलेक्ट करो वह तुहाडा साथ भी देगा और वह भी देर बाद चलता उहदे विच चीजा बड़िया आ जांदियां। यह शौक साडा ऐसा वसी है अल्लाह तला ने ऐसी इहदे विच चीजा रखियां जी सारी जिंदगी भी इहदे ते गल्लां करदे रहियां ते खत्म नहीं होंदियां क्योंकि यह एक समुंदर है उहदे विच तुहाडा अपना अपना इलम है हर बंदे का जिहदी जिथों तक पहुंच हुंदी है जिथों तक उहदी उहने एक प्रैक्टिकल कीता हुंदा उहदे मुताबिक उह गल करदा। इमरान भाई जो दोस्त कहने खरबूजे ने बिलकुल माजा नाल मैं विच थोड़ा जिहा ना इस देना चाहना कि जिन्हें दोस्त सानू देखते हैं उन्होंने थोड़ी जिहा वो साडे मौकफ ते पूरे होण कि असीं गल की करदे आ पे जिहड़े कहिंदे ना खरबूजे ने माजा थोड़ी जिहा तुहाडा माजा नाल उन्हां नूं इमरान भाई इलम नहीं आउंदा बिलकुल बिलकुल हकीकत ही है। हुण फर्ज करो मैनूं अगर कहोगे ना हो सकदा तुहाडे कबूतर हाले देखो ना मैं नहीं देखे मैं अगर अपनी गल करदा मैं जायचा लावांगा ना हो सकदा मैं 19-20 दे जावां लेकिन मैं नहीं कदे 15-10-12 दे जावां तो फिर मेरे च फर्क है मेरे इलमे च फर्क है। मैं जिहड़ा इन्ना पाकिस्तान च भजदा फिरिया मैं किसे को नहीं सिखिया उस्ताद ने जुत्तियां सीधियां करदे करदे 18-20 साल हो गए ने
जमाने तो सीखे है कि जे बंदा इन्ने अरसे दे दौरान भी अगर अपने टारगेट ते नहीं पहुंचता तो उहदे च कमी है। तुसीं कह रहे हो ना हुण कि मियार तुसीं गल कर दे, ए समझो कि वह गल जिहड़ी 20 साल बाद दो मेहनत कर करके जा कर कि यार इमरान उत्थे गल की सी फलां जगह ते कि यार मियार कितना सी एक साइज कबूतर का, तुसां कबूतरां नूं वजाहत करदे थोड़ी जी कि कबूतर एक साइज किन्ना होना चाहिए तुहाडे आइडियल कबूतर। देखो जी दरमियाना साइज, दरमियाने तो मुराद के असल जेडे ज्यादा अच्छे परिंदे ने ना सीना थोड़ा जिहा ना कबूतर का चौड़ा होए उहदी क्या बात है, पंजाबी च असीं मिसाल दे दिंदे बोतल दा ना, लेकिन जेहड़ा कबूतर सीने वाला होएगा ना उहदे तुसीं जदों हत्थ फड़ोगे तो शोल्डर लैदा हो जाणगे सीना उहदा, इस तरह गोल हो जाएगा उहदी क्या बात है, बेहतरीन साइज है और पिछों बोतल तरह बंद है, बेहतरीन कबूतर का साइज और उहदा जेहड़ा ना देखने विच तुहानूं आसानी नाल तुहानूं पता चल जाएगा कि सीने की चौड़ाई कुछ ज्यादा है और पिछों बिल्कुल बोतल देना है, तकरीबन वह कबूतर अच्छे ही होंगे ने। कुछ तुसा चलो नंबरिंग दे लेने हैं पॉइंट जो थोड़े मुताबिक ना मेरे दोस्तों दसो सारे मेरे बड़े व्यूअर ज्यादा ने जो नौजवान दोस्त ने ना सफेद पोश वास्ते मैं दोस्तों वास्ते काम करना, मैं नहीं कहता गरीब बंदा जरा गरीब बंदा इमरान भाई कि जाके सीख सकता, गरीबा नु तो दोस्त डेरिया नहीं वारदे, गरीब बंदे दी मैं तुहानू कहना तुसा भी उसे फोकस रखना, मेरा भी एक बंदे ने कबूतर फड़ लिया है कोई गरीब बंदा चलो दुनिया के किसी भी मौके पर वो कहना कि यार कबूतर अच्छा कबूतर है तो नंबरिंग दे रही है, पहली गल असं आगाज करने कबूतर की दुंब दो हाँ जी तुम नंबरिंग दे दें पहली ने तुहाडी चलो माजर के नाल एक एक नंबर देखना किन्ने नंबर कबूतर डिफाइन कर रहे हो। देखो कबूतर दे नंबरिंग पहली गल की होनी चाहिए कबूतर अच्छे जी, मैं अपनी पहली गल कहना ना तो मैं फिर तुम दसा मैं बॉडी हड्डी की शेप नंबर वन ओरी मिसाल इस तरह मैं अगे भी अपने इंटरव्यू च कह चुके हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं इतफाक करते हकीकत बात है जी अलहमदुल्ला अल्लाह ने सानू यह वल दिता है साढ़े स्थाना को सू वल मिले असी कबूतर हाथ फड़ने ना। देखो गल वी हो जाती अल्लाह तला मैं तकबर गुरूर तो बचाए अल्लाह तला ना ऐसा मुंह चो बोल लिया है, कबूतर जो असं हाथ फड़ने ना ओरी बॉडी की शेप ऐसी देख के असं उत्थे फेल पास करने बगैर पर देखे बगैर रख देखे पहली चीज और कई दफा साढ़े प्रैक्टिकल अलहमदुल्ला कई दफा ज्यादा दिखाया असी बॉडी नू मैं 80% तरजीह देना। अच्छा चलो भैड़ी बॉडी कड़ी होनी ना कबूतर की लामत फ्लैट हड्डी होगी, फ्लैट हड्डी होगी और सखत हड्डी होगी, यानी हथ फेरोगे ना जो कबूतर की बॉडी के उत्ते हड्डी सखत महसूस होगी, तो जी यानी फ्लैट हड्डी है सीधी हड्डी है ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਵਟ ਏਡੀ ਨਾ ਵਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਥ ਪੇਰਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਵੀ ਔਰ ਸਖਤ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰਡ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਲੱਕੜ ਤਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹਦਾ ਵੇਟ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਫਿਲਫਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਾ ਉੜਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੇਟ ਵੇਟ ਵੀ ਫਰਕ ਇੱਕ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਢਿੱਲਾ ਗੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਇੱਕ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਥਲੀਟ ਕਬੂਤਰ ਸੀਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਥੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏਡੇ ਸਲਿਮ ਸਪਾਟ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਗੋਸ਼ਤ ਭਰਵਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗੁੱਠਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਕਸ ਕਬੂਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੇਨ ਜੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੀਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੜਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਗੋਲ ਤੀਲੀ ਨੀ ਨਾ ਜਰਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟਾਈ ਚ, ਉਹ ਨੀ ਉੜਦੀ। ਚੱਪੀ ਤੀਲੀ, ਚੋੜੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਠੱਪਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੀਲੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ 100% ਉੜਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਜਿਸਮ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।